Hey guys, प्रियांशु दिस साइड एंड दिस इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ पाइथन प्रोजेक्ट्स फॉर बिगनर सीरीज। एंड गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं जो कि पाइथन की हेल्प से हमारे जीमेल अकाउंट से एक अनदर जीमेल अकाउंट को ईमेल सेंड करने वाला है। सो गाइस, प्रोजेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड काफी नॉलेजेबल होने वाला है। तो यार प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो हमेशा की तरह यार मैं ज्यादा बातें करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं यहाँ पर पाइथन फाइल पर जल्दी से चला जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं फाइल का नेम रखता हूँ send_email। तो गाइस, फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है एंड आज के इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना है अपने कोड के अंदर जिसका नेम है SMTP लाइब्रेरी। हम उसे शॉर्ट में SMTP LIB बोलते हैं, जिसे हम एज अ SMTP LIB इंपोर्ट करने वाले हैं अपने कोड के अंदर। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ जल्दी से इम्पोर्ट SMTP LIB। हमें सिर्फ ये टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर हम एक SMTP सेशन को क्रिएट करने वाले हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ SMTP LIB.SMTP। ये जो कैपिटल वाला है सबसे ऊपर जो आ रहा है, तो आपको इसके ऊपर एंटर हिट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रैकेट यूज करने हैं एंड ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पर टाइप करना है इन सिंगल कोट्स के अंदर SMTP.gmail.com। उसके बाद यहाँ पर आपको सेशन का नंबर दे देना है 587। तो यहाँ पर जो है हमारा SMTP सेशन जो है क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको न्यू लाइन के अंदर एक TLS स्टार्ट करना है सिक्योरिटी के लिए। बिकॉज जब भी हम किसी भी जीमेल अकाउंट से एक अनदर जीमेल अकाउंट को ईमेल सेंड करेंगे तो वहाँ पर सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर एक TLS को स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ s. आपको बस इतना टाइप करना है एंड उसके बाद आपको न्यू लाइन के अंदर आ जाना है। न्यू लाइन के अंदर आने के बाद अब यहाँ पर हम ऑथेंटिकेशन देखने वाले हैं, यानी कि जिस भी जीमेल अकाउंट से आप एक मेल सेंड करना चाहते हो आपको यहाँ पर वो जीमेल अकाउंट मेंशन करना है और उसका पासवर्ड मेंशन करना है। डोंट वरी, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सेफ रहेगी। मैं बस आपको बता देता हूँ कि आपको किस जगह पर अपनी जीमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करना है और कौन से कोड के अंदर एंटर करना है। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है s.login एंड लॉगिन के अंदर यहाँ पर आपको यानी कि सेंडर की जीमेल आईडी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ पासवर्ड। सो गाइज, यहाँ पर जिस भी जीमेल अकाउंट से आप मेल सेंड करना चाहते हो यहाँ पर इस जगह पर आपको वो ईमेल आईडी मेंशन करनी है एंड उस ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको मेंशन करना है। न्यू लाइन के अंदर आपको यहाँ पर मैसेज टाइप करना है, उसके बाद इक्वल टू लगाना है एंड यहाँ पर आपको सिंगल कोट यूज करना है या फिर डबल कोट यूज करना है। एंड डबल कोट्स के या फिर सिंगल कोट के बीच में आप जो भी मैसेज सेंड करना चाहते हो यहाँ पर आपको वो टाइप करना है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ मैसेज टू बी सेंट। उसके बाद आपको न्यू लाइन के अंदर आना है एंड न्यू लाइन पर आने के बाद आपको यहाँ पर रिसीवर की मेल आई डी मैंशन करनी है। किस तरीके से मैंशन करनी है मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली टाइप करना है s.send mail। सेंड मेल के अंदर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी है सबसे पहले, जहाँ पर मैंने ये सेंडर जीमेल आईडी लिखा है यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोमा लगाना है। सिंगल कोट के अंदर अब यहाँ पर आपको रिसीवर की मेल आईडी मेंशन करनी है। उसके बाद गाइस आपको इन कोट से बाहर आना है एंड यहाँ पर आपको कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद आपको स्पेस देना है एंड स्पेस के बाद यहाँ पर आपको मैसेज टाइप करना है। उसे टाइप करने के बाद आपको न्यू लाइन पर आना है एंड यहाँ पर आपको इस सेशन को क्विट कर देना है, यानी कि जब आपका मेल सेंड हो जाएगा उसके बाद ये सेशन ऑटोमेटिक क्विट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा s.quit that's all। तो गाइस, 7 लाइन का कोड है हमारा इस प्रोजेक्ट का एंड जब आप ये सारे क्रेडेंशियल्स फिल कर दोगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, जहाँ पर ये सेंडर जीमेल आईडी लिखा है आप यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी मेंशन कर दोगे, पासवर्ड मेंशन कर दोगे, आप यहाँ पर मैसेज मेंशन कर दोगे, उसके बाद आप यहाँ पर जीमेल आईडी मेंशन करोगे फिर सेंडर की और यहाँ पर रिसीवर की। तो गाइज यहाँ पर जब आप इस प्रोजेक्ट को रन करोगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका जो जीमेल अकाउंट है वो आपके रिसीवर जीमेल आईडी को मैसेज सेंड करेगा जो भी आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर टाइप करा होगा। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड गाइज अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ, इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी लगाओ, कुछ नया सीखो आज की इस वीडियो से, तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कर देना।